कांग्रेस पार्षद दल ने आज निर्माणाधीन बीआरटीएस कॉरिडोर का दौरा किया और उसमें कमियां निकालते हुए बीआरटीएस की गुणवत्ता के लिए नगर निगम अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने बीआरटीएस कॉरिडोर को पूरी तरह विफल बताया। 21 फीट डेप्थ में 13 फीट कम से कम बस को जगह चाहिए, क्योंकि इसके ये साइड ग्लास देखिए, ये साइड ग्लास देखिए, इसको क्रॉसिंग करने के लिए कम से कम 13 फीट जगह चाहिए। मेरा मानना क्या मानते, फेल मानते? बिल्कुल फेल है, अनियमितताएं पूरी है। ये जो रोड पे हमने बस रोकी वो आपने देखा, बस अगर एक पांच क्या रहेगा कांग्रेस के अभी, अभी 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 पूरा चीज देख ले क्या रहेगा, मतलब भाई हम इसकी पूरी अनियमितताएं देखने के बाद विशेष बैठक बुलाएंगे, परिषद में विशेष बैठक बुला के ये सारी अनियमितताएं लेके चलेंगे और आपके सामने हम परिषद के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्षद गिरीश शर्मा और शाहिद अली ने महापौर और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को गैर जिम्मेदार बताया। तो ये पूरा जो सामंजस्य जिन विभागों के बीच में होना चाहिए था वो सामंजस्य किसी भी विभाग में है नहीं, अपनी मन मर्जी से काम हो रहा है और इस मन मर्जी के कारण ये जो वरदान होना चाहिए था कॉरिडोर, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलता, लोगों को आवागमन की सुविधा होती, समय लोगों का बचता और आने वाले 20 साल बाद जो शहर जिस निर्बाध गति से बढ़ रहे हैं उन शहरों के हिसाब से ये डिजाइन किया गया था, लेकिन जो इसका मूल डिजाइन था मूल डिजाइन को बदलकर लोगों अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जहां लगा, क्योंकि इसमें पब्लिक व्यू क्यों नहीं लिए गए? अगर हम यहां से क्रॉस करना चाहते तो 1 किलोमीटर आगे की कॉलोनी वालों को घूमने आना पड़ता है, तो पब्लिक के भी व्यू लिए जाने चाहिए अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट शहर में आ रहा है। लेकिन पब्लिक को बिल्कुल नकारा गया है, आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान नहीं रखा गया है। इस तरीके से मेरा कहना यह है कि ये कॉरिडोर पूरी तरह से फेल, बेहद घटिया निर्माण हो रहा है। हर चीज जो चाहे रोड को देख लीजिए, चाहे ग्रिल देख लीजिए, चाहे पोल लगाने का काम देख लीजिए, सब में बेहद घटिया निर्माण हो रहा है और इसको देखने का किसी को फुर्सत नहीं है, ना महापौर को फुर्सत है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी आप मिसाल दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी खुद बस में सफर करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान को इसकी फिक्र नहीं है, ना महापौर मुखिया जो हमारी है उनको फिक्र नहीं है। और उस पे से ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्या मालूम कहाँ अच्छा काम हो रहा है, पूरे शहर में लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लोग रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन न महापौर को इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, न माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद दल ने बीआरटीएस कॉरिडोर के भीतर बस चलवाई और कॉरिडोर की चौड़ाई नाप कर दोनों बसों को समानांतर चलवाया। इस मौके पर सिटी इंजीनियर देवेंद्र तिवारी, बीआरटीएस प्रभारी सुनील श्रीवास्तव सहित कांग्रेस पार्षद गण उपस्थित थे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार, EMS TV न्यूज़ भोपाल।